नमस्कार मित्रों, आज अपन प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले देखें कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत की डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न संख्या है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर कितना होता है 100 होता है, तथा अंश प्रतिशत की दर सूचित करता है। अंश क्या करता है? प्रतिशत की दर। जैसे कि अपन ने लिखा है यहाँ पर एक्स प्रतिशत, तो एक्स प्रतिशत मतलब एक्स बटे 100। यहाँ पर जैसे अपन लिख दिया 5%, तो 5 इसको कैसे लिख सकते हैं? 5/100। 5% मतलब 5/100, तो इसका क्या आ जाएगा? 5% का जैसे काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 का 0, मतलब यदि साधारण भिन्न में बोलें कि 5% साधारण भिन्न में कितना होता है, तो 1/20 होता है। कुछ अपन इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे कि एक लिखा है, एक का मतलब होता है 100%। जैसे कि एक लिखा है तो एक का मतलब है 100%। 1/2 है तो इसका मतलब क्या होता है? 1/2 मतलब 100/2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा इसका? 1/2 को होता है मतलब 50%, 100/2 50%। और यदि ऐसी बात करें 1/3, तो 1/3 को परसेंटेज में यदि बोलें तो क्या आएगा? 100/3%। तो इसको सही में काटेंगे, 3 तिरका 9 बचा 1, 3 तिरका 9 मतलब 33 सही, 1/3%। जैसे 1/4 है, 1/4 का क्या होता है? 100/4, 4 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 25%। 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25%। जैसे कि 1/5 है तो यह आएगा अपना 100/5, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे तो यह आ जाएगा 20%। ऐसे ही आगे देखेंगे 1/6, 1/6 लिखा है तो क्या आएगा इसका? 100/6। इसको यदि अपन 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 3 6, 2 5 10, 0 का 0 मतलब 50/3। तो इसको काटेंगे 3 से तो ये आएगा 3 एकम 3, 3 6 18 मतलब 16 सही, 2/3%। यदि कभी भी लिखा आ जाए 16 सही, 2/3%, तो साधारण भिन्न में अपन ने क्या लिखना है? डायरेक्ट 1/6। जैसे 1/7 आ जाए तो इसको परसेंटेज में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 100/7, प्रतिशत 7 से काट देंगे इसको तो यह आएगा 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौका 28, बचे 2, तो आएगा 14 सही, 2/7%। यदि 14 सही, 2/7% आए, यदि साधारण भिन्न में लिखना है तो कितना लिखेंगे? 1/7। यदि 1/8 आ गया तो 1/8 क्या होता है परसेंटेज में? तो यहाँ पर लिखेंगे 100%/8, 8 से काट देंगे, या 8 से ना काट के 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और जो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 मतलब 25/2%, या 25/2 मतलब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 12 सही, 1/2%। 1/9, 1/9 होता है जी अपना, इसको काटेंगे 100 से गुणा कर देंगे तो 100/9, तो ये आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 तो यह आएगा 11 सही, 1/9%। 1/9 की जगह मुझे परसेंटेज में कितना होता है तो कितना लिखेंगे अपन? 11 सही, 1/9%। यदि 1/10 आ जाए तो 1/10 का कितना आ जाएगा परसेंटेज में? तो यहाँ पर लिखेंगे 100/10, तो यहाँ से अपना इससे काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो मतलब कितना आ जाएगा? 1/10% मतलब होता है 10%। यदि 10% लिखा है, यदि साधारण भिन्न में लिखना हो तो कितना लिखेंगे सीधा? डायरेक्ट 1/10। ऐसे थोड़े अपन आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। आप लोग मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे लिखा है अपना 1/11, साधारण भिन्न 1/11, परसेंटेज में पूछा तो क्या लिखेंगे? 100/11 प्रतिशत, तो 11 से काटेंगे तो आएगा 11 9 99 बचा 1, तो मतलब 9 सही, 1/11, 9 सही, 1/11 कितना होता है साधारण भिन्न में? 1/11। और यदि आ गया 1/12, तो 1/12 इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? 100/12 प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, इसको काटेंगे 4 से 4 3 12,
चार दूनी आठ, चार पंचे बीस, मतलब 25/3। तो इसको सही में लिखेंगे तो 3 8 24, मतलब 8 सही 1/3%। ये 8 सही 1/3% साधारण वर्ग में पूछे तो कितना लिखेंगे, 1/12। यदि ऐसा आ जाए 1/13, 1/13 तो ये आएगा अपने प्रतिशत में 100/13%। तो 13 से काट देंगे तो 13 7 91 बचे यहाँ पे अपने 9, तो ये आएगा 7 सही 9/13। और यदि 1/15 आ गया, 1/15 तो इसको अपन लिख सकते हैं 100/15%। 5 से काटेंगे, 5 3 15 5 2 10, 0 का 0, तो इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 3 6 18 2, तो मतलब 6 सही 2/3%। यदि 6 सही 2/3% है, इसके स्थान को अपन लिख सकते हैं 1/15, या 1/15 के स्थान पर परसेंटेज में पूछे तो कितना लिख सकते हैं, 6 सही 2/3%। जैसे कि अपना 1/16 है, तो इसको प्रतिशत में कैसा लिखेंगे, 100% 16। इसको काट देंगे 4 से, तो 4 4 16 और ये कट जाएगा 25, मतलब 25/4। तो इसको 4 6 24, 6 सही 1/4। यदि 6 सही 1/4% में है तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यदि भिन्न में पूछे तो 1/16। इसके बाद जैसे कि अपना लिखा है 1/20%, 1/20 आएगा, तो इसका परसेंटेज में पूछेंगे तो क्या आएगा, 100/20, तो 20 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5%, कितना आएगा, 5%। ये अपने इम्पोर्टेंट भिन्न हैं, भिन्नों को अपन ने प्रतिशत में बदल लिया है। इनको मित्रों आप लोगों को याद करना है इसको। अब इसके अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि अपना प्रश्न आया, पहला प्रश्न 200 का 30% क्या है। जैसे कि अपन ने एक एग्जांपल लिया, 200 का 30% क्या है, तो इसके लिए अपन कैसे हल करेंगे, तो अपन ये तो पढ़ चुके हैं, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 गुणा 30%, तो 30% तो कैसे लिख सकते हैं अपन, 30/100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, मतलब कितना आ जाएगा, 60। इसका आंसर आ गया अपना 60। जैसे कि अपन ने एक और एग्जांपल लेंगे दूसरा इसी टाइप का, 500 का 20% क्या है, 500 का 20% क्या है। तो इसको अपन सीधा डायरेक्ट 500 है तो क्या लिखेंगे, 500 का लगा है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, अपन अभी पढ़ा है 20% होता है 1/5, कितना होता है 20% 1/5, तो सीधा अपन 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 5 1 5, मतलब 500 का 20% आ जाएगा अपना 100। तो ये आ गया अपना 100 आंसर। और एक बात और ध्यान रखना, कोई भी संख्या हमेशा कितने परसेंट होती है अपने में, 100% होती है। कोई भी संख्या कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है। जैसे कि अपन लिखा 20 का 80% क्या है, 20 का 80% क्या है, तो 20 का 80% क्या होगा, 20 का मतलब गुणा 80%, 80% मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं 80/100। तो ये 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 का 80% क्या होगा, 8 2 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे ऐसे ही, यहाँ पे चौथा, 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, 3/5 क्या करना है, अपन प्रतिशत में बदलना है। तो अपन ने पढ़ा है कि प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं अपन, 100 से, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये काट दो यहाँ से, यहाँ पे लगा देंगे प्रतिशत का चिन्ह, 5 से काटेंगे, 5 2 10, तो ये हो जाएगा 20 या 60%, मतलब 3/5 कितना होता है प्रतिशत में, 60%।
या अगला प्रश्न पांचवा, चार बटे पाँच को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। दूसरे तरीके से इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये कितना लिखा है इसके आगे, चार इंटू एक बटे पाँच लिख सकते हैं। अपन ने पता है एक बटे पाँच की वैल्यू कितनी होती है, एक बटे पाँच प्रतिशत में कितना होता है, बीस। तो यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे, बीस का, तो ये हो जाएगा बीस चौका अस्सी प्रतिशत। कितना हो जाएगा ये, 80%। जैसे कि अपना दिया है प्रश्न छठवा, दो बटे सात को प्रतिशत में बदलिए। दो बटे सात, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा है एक बटे सात की वैल्यू क्या होती है, एक बटे सात की वैल्यू क्या होती है, चौदह सही, चौदह सही दो बटे सात कितनी होती है, चौदह सही दो बटे सात होती है प्रतिशत में। तो यहाँ पे अपने पता है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कितना करना है, दो बटे सात। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर दो गुणे चौदह सही दो बटे सात, चौदह सही दो बटे सात। तो ये हो जाएगा अपना चौदह दूनी अट्ठाईस, और यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये कितना होता है, जो हो जाएगा अपना सौ बटे सात। तो यहाँ पर हो सकता है जी कितना हो जाएगा, दो सौ बटे सात प्रतिशत। इसको काटेंगे यदि तो ये कट जाएगा, सात दूनी चौदह, बचे कितने यहाँ पर, छः बचे, सातू आठू छप्पन, सातू आठू छप्पन बचे चार, सात पन सातू आठ छप्पन बचे चार, सात पन्ना पैंतीस, मतलब अट्ठाईस सही पाँच बटे सात परसेंट। कितना हो जाएगा, अट्ठाईस सही पाँच बटे सात परसेंट, सातू आठू यहाँ पर बचा था अपना कितना, सात दूनी चौदह, यहाँ बचे थे सातू आठू छप्पन, बचे चार, बचे सॉरी कितना बचे थे, चार। तो ये आएगा अट्ठाईस सही चार बटे सात प्रतिशत। यहाँ पर अपन सीधा गुणा भी कर सकते थे, इसका कितना था, चौदह सही दो बटे सात, तो इसका गुणा कर दिया था अपन ने दो का, तो चौदह दूनी अट्ठाईस और दो का दो में करेंगे तो अट्ठाईस सही सही चार बटे सात प्रतिशत। अब कुछ अपन प्रतिशत को धन में बदलेंगे, प्रतिशत को धन में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 80%। प्रश्न पहला, 80% को साधारण धन में बदलिए, साधारण भिन्न में बदलिए। तो जैसे ही क्या है 80%, तो वैसे तो अपन ने 80% लिखा है, तो साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या लिखेंगे, 80 बटे प्रतिशत का मतलब बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको दो से काटेंगे तो दो चौका आठ और दो पंचे दस, मतलब कितना आ जाएगा, चार बटे पाँच आ जाएगा आंसर। दूसरा, 75% को साधारण भिन्न में बदलिए, जैसे कि 75%, तो कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, 75/100, 25 से काट देंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, मतलब साधारण भिन्न कितनी हो जाएगी, 3/4। या फिर ऐसा भी आ सकता है 0.04 को साधारण भिन्न में बदलिए, तो इसको साधारण भिन्न में बदलने तो क्या लिख सकते हैं, 4.00 कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, एक तो रहता ही हर संख्या के अपॉन में, 0.00 कितने अंक बाद, 2 अंक, तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे, तो यह आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, मतलब 1/25 आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से अपन आज यहीं पर विराम लेते हैं, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही पिछले वीडियो को पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाके देखें।